तुम कुछ बोलो, कैसी क्या बोलूं? लग रही है ये? बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बंगाली बोलनी पड़ेगी इसमें। कुछ वर्ड बोल के दिखाओ बंगाली वाला। एक आया मुझे रसगुल्ला, मम्मी तो माँ की भाली मछली, बस यही बोल रही। यहाँ पे सारी वीडियो की लाइटें हैं, इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, इसका स्विच नहीं लगा, तो ये स्विच निकाल के इसको लगाते हैं। ये है इसकी लाइट, इसको ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं हम। ये येलोइश हो गया कलर इसका पूरा। यहाँ पे मॉडल होता है हमारा, तो यहाँ से शूट करते हैं। और आप देख सकते हैं इधर से लाइट पड़ रही है, हाथ कितना सही आ रहा है इसमें। उधर वो लोग बैठे हुए हैं, मॉडल तैयार हो रहा है हमारा। मैं हूँ, अरे वीडियो। और ये सारे कुछ है मेकअप के टूल्स, ये सारे पता नहीं क्या क्या हैं। वो मस्कारा है, ओ ब्लैक कलर। तेरा बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? शर्मा क्यों रही हो, बताओ। ये आई शेडो पैलेट है, ये भी आई शेडो पैलेट है, ये हमारा कॉम्पैक्ट है, ये लिपस्टिक्स है, ये मस्कारा है, और ये हमारे मेकअप ब्रशेज है, ये आईलाइनर रखा है, और ये हमारी ज्वेलरीज है जो हमारी मॉडल पहनने वाली है। बस खत्म, इतना ही है। ये है कैमरा, इससे हम शूट करेंगे, और लोग मॉडल भी तैयार हो रहे हैं। तब तक मैं इधर बैठा हूँ। ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, अभी बाल पूरे बनने बचे हैं। अच्छा, बाल पूरे बचे हुए। मुझे लग रहा था उल्टा उल्टा ही पहना है तुमने। थंबनेल लगेगा अब। खाया जा रही है, फैब्रिक कलर है पता है। आउटडोर शूट करने, वहाँ पे फोटो ज़्यादा अच्छी आती है, वहाँ पे जो लोकेशन है ना वहाँ पे फोटोज़ देखना। इसके बाद कितने खतरनाक खतरनाक आएंगे फ़ोन से ही फोटोज़ को अच्छी आती है। मैं कुछ कैमरे से लूँगा, कुछ फ़ोन से लूँगा। फ़ोन में AI ऑप्शन है, इसमें कलर ग्रेड बहुत अच्छा होता है। फोटो अच्छी आई, भेज देना उसको, मुझे लगा दूंगा।
चले करे क्लिक। तो शूट तो हो गया है, फोटोज कैसी आई हैं बोलोगी? बहुत ज्यादा प्यारी। कुछ मैंने फोटोज फोन से ली हैं और कुछ इससे ली हैं। और फोन का और डीएसएलआर का तो अलग ही होता है, बट फोन की भी अच्छी है, डीएसएलआर की अलग ही क्वालिटी है। तो डीएसएलआर के एडिट करने के बाद अच्छी आएगी, और फोन की तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसी है। फोन की बहुत खूबसूरत। और ये हमारे डिपार्टमेंट में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट। तो भी ये है मेस की भीड़। मैं सीधा वहाँ से आके सीधा हॉस्टल आ गया था क्लास कंप्लीट करके। तो भी ये मेस की भीड़ है यहाँ की। चीज जब मैं आए तो हॉस्टल का हाल कभी कोई स्नैक टाइम पे ऐसा होता है, तो थोड़ा मैनेज भी करना पड़ता है यहाँ पे। तो भी ये हमको एक बर्गर मिला है जिसमें कि टिक्की है और एक खीरा है, प्याज है ही नहीं है। और इसमें देखो ऐसा लगा कुछ है ही नहीं, लेकिन बाद देखो बस ये है सीएसजीएमयू का हॉस्टल, शिवाजी बाद हॉस्टल बेकार है। तो है जैसा भी मैंने हम संतोषी बात। तभी नमकीन की खवाई चल रही है, फिर नमकीन खत्म कर दी है, पूरी भरी पैकेट थी। मैंने नहीं खत्म करी है, आती से देखो ये पूरी खत्म हो गई। इतना समस्या कह रहे थे अब अभिराज के लिए रख देंगे, तो भी खा लें, दोस्त के घर से आई है। अभी देखो खुंडी देखो, खुंडी ये आधा खा रहा है पूरा। हाँ खाते हैं लेकिन कहीं जाता कहाँ जाता ये नहीं पता। अच्छा मैंने कुछ नहीं खाया है इतना। देखो अभी इसे भी खाना है। बहुत ही प्योर घी को सॉरी दूध का है ये। जब बेबी होता है भैंस वगैरह का तो उसके भाई खा ले, तेरे को खानी है? नहीं नहीं क्या हुआ, कहाँ रखा हो गए छिपके? अच्छा उसको देने जा रूममेट को। कहाँ का है तुम्हारा रूममेट? अरे रूममेट कहाँ का, अंदर रूम का है, रूम कट करो। तो भी आया हूँ आतिश के रूम में, तो इसका रूममेट है शिवांश, वो भी गया है आगे। और काफी सही रूम सजा रखा है ये, इतना गंदा रूम वो रखा था ना ये पहले, अब उसने पूरा अच्छे से सजा दिया, पूरा लाइट वगैरह लगा दिया है, टेबल सेट कर दिया, पूरा अच्छे से क्लीन कर रखा है एकदम। अभी यहाँ पे कुछ देर बाद देखना क्या ही माहौल यहाँ पे बन जाएगा, इसमें काफी लोग आते हैं। अभी आएंगे तो उसका पाँच छह लोग आएंगे, मतलब पाँच क्या आठ नौ हो जाते हैं इसमें, बैठ के सब आराम से फ्री फ्री फायर के लिए बन गया खेलते रहते। तो अभी हम दो लोग हो चुके हैं, अभी और लोग आ रहे हैं। तो अभी यार पूरा सन्नाटा था, अब आ रहे हैं धीरे धीरे, क्राउड बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे मचेगा हाहाकार।